जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की, का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। वह तैमूर का वंशज चुगतई तुर्क था। उनकी माता कुतलुग निगार खानुम प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान की वंशज थी। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के छोटे राज्य के शासक थे। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1504 में काबुल को जीतने के बाद मिर्जा टाइटल को छोड़ बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत पहुंचा। पानीपत के युद्ध में भारत के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त करके बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद आगरा से 40 किलोमीटर दूर बाबर व राणा सांगा की सेनाओं में खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 को हुआ। राणा सांगा की हार हुई और उसके ही सामंतों ने उसे जहर देकर मार डाला। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। उसने इस युद्ध में विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ, इस युद्ध में बंगाल की ओर बढ़कर 6 मई 1529 को बाबर ने अफगानों को पराजित किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। बाबर का मृत शरीर पहले यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम था तुजुके बाबरी या बाबरनामा। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के आदेश पर इसे फारसी में ट्रांसलेट किया।